हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारियों व अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह कहना है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अंशकालीन कर्मचारी संगठन का। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अंशकालीन कर्मचारी संगठन का कहना है कि नाबार्ड की 23 जून 2015 को न्यूनतम वेतन के संदर्भ में जो ऑर्डर दिया गया था उसे बैंक प्रबंधन द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अंशकालीन कर्मचारी संगठन की सचिव कमलेश नैयर ने कहा कि कई वर्षों से हम सफाई कर्मचारी सुबह से शाम तक कार्यालयों में काम करते हैं और हमें सिर्फ 2500 से 3000 रुपए का वेतन दिया जाता है, जिसके चलते परिवार की रोजी रोटी चलाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कई वर्षों से ग्राउंड बैंक में काम कर रहे हैं और इनको जो न्यूनतम वेतन है, जो नाबार्ड के आदेश हैं 2015 के, उसके मुताबिक इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए था, लेकिन इनको मैनेजमेंट जो है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की मैनेजमेंट जो है, न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है। उसके लिए हम लोगों ने डीसी के माध्यम से, चीफ मिनिस्टर के माध्यम से, सबके माध्यम से जो है रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं कि हमारी जो ये मांग है इसको पूरा करने के लिए हम लोग एक रैली निकालेंगे और इन लोगों का जो आंदोलन है इसमें इनका सहयोग करेंगे और हम अगर नहीं हुआ तो इसके बाद हम सड़कों में उतरेंगे, क्योंकि ये लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं लेकिन इनको कहा जा रहा है कि ये 5 घंटे या 6 घंटे दिन में काम करते हैं। आज की डेट में हिमाचल ग्रामीण बैंक में जो ऑफिस अटेंडेंट्स की पोस्ट हैं उनको फिलअप नहीं किया जा रहा, जबकि इनमें से कई लोग जो हैं एलिजिबल हैं और उनको उन पोस्टों को खाली रखा गया है। जो एसके मित्रा कमेटी है उसमें बोला गया है कि स्केल 3 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो है आप रेगुलर ऑफिस अटेंडेंट्स रखेंगे, उसके हिसाब से भी इनकी पोस्टें कम से कम आज की डेट में 263 ब्रांचें हैं और 100 ब्रांचें जो हैं कैटेगराइज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी इन लोगों की जो है पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन मैनेजमेंट इनको नहीं रख रहा है। हमारी मांग ये है कि जैसे हम लोग पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और हमें कहते हैं कि ये सिर्फ कैजुअल सिर्फ पार्ट टाइमर है, इनका तो हफ्ते में 5 घंटे ड्यूटी है, पर हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और हमें सिर्फ 2500 रुपये या 3000 रुपये महीने का मिला जाता है। हमारे जैसे नाबार्ड वालों ने हमें मिनिमम बैच दे दिया है, परंतु हमारे ऑफिस मैनेजमेंट चेयरमैन सर वगैरह इसे नहीं दे रहे हैं, कोई लागू नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे सबको, डीसी को, सबको अपनी ये शिकायतें दर्ज करवाई, चेयरमैन सर को, सबको, पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। वैसे हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम बैच के एक्ट लाया जाए और हमें जो रेगुलर किया जाए और जो हमारे लिए पोस्टें खाली है पड़ी हुई है एसके मित्रा की, उनमें जो जो जितनी भी पोस्टें खाली है उनमें सबको भरा जाए। उन्होंने कहा कि 2015 में नाबार्ड के द्वारा न्यूनतम वेतन दिए जाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन बैंक प्रबंधन नाबार्ड के आदेश को लागू नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।